अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ही मैं आपके साथ लंच बॉक्स के आईडी के साथ साथ बच्चों के मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह 5:15 बजे उठ गई थी। मैंने वज़ू वगैरह करके नमाज़ अदा की है और नमाज़ पढ़ के अब मैं थोड़ी सी ऊपर की हवा, ताज़ी ताज़ी फ़्रेश हवा लेने जा रही हूँ तस्बीह हाथ में लेकर। तो मैं तस्बीह भी पढ़ती रहूँगी और ऊपर मैं थोड़ी सी फ़्रेश एयर भी ले लूँगी। कोशिश किया करें मेरे व्यूवर्स कि आप सभी अपने दिन की शुरुआत अपने अच्छी अच्छी और बहुत प्यारी प्यारी सी दुआओं से किया करें। अल्लाह ताला से जो भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ लोग जो हैं आपके, उन सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी दुआ किया करें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइबर व्यूवर्स, आप सभी मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें। और आप लोग अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं तो इसी तरह से दिन की शुरुआत करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का नाम लेकर हम दिन की शुरुआत करें। ये मेरे कुछ प्लांट्स, खासकर ये मेरा मनी प्लांट जो है मुझे बहुत प्यारा है, तो ये मैंने कुछ प्लांट्स अपने ऊपर रखे हुए हैं और ये मैं थोड़ी सी आपको अपने ऊपर की झलक दिखा रही हूँ। मुझे मशीन भी लगानी है तो मैं मशीन लगा कर यहाँ से अपनी फिर नीचे जाऊंगी। बाद में बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी नीचे जाकर, क्योंकि मैंने मशीन भी ऊपर ही रखी हुई है और ऊपर से हमारे मशीन के ऊपर शेड डला हुआ है। अभी टाइम हुआ है 6, तो अभी मैं अपने पैरट का भी खाना वाना सब डालकर इनको, तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ये मैंने बेसन लिया है, बेसन में मैंने लाल मिर्च, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना ज़ीरा और नमक और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉप करके मैंने डाल दिया था। तो इस बेसन के बैटर से हम बनाएंगे 3 रेसिपी, पनीर के पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा और बेसन का चिला। और ये मैं अभी बना रही हूँ पनीर के पकौड़े मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर के पकौड़े। तो ये पनीर के पकौड़े मैं बना रही हूँ छोटे बेटे के लिए, और छोटे बेटे और बड़े दोनों के ही लंच में रखूँगी मैं, आप देखना लास्ट में। तो मैंने दोनों के ही टिफ़िन में रखे, लेकिन ये जो फरमाइश थी, ये जो पसंद है, ज़्यादा पसंद जिनको है, वो है मेरे छोटे बेटे शायान, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ। और ब्रेड पकोड़े और चिला, बेसन का चिला, तो ये भी मैं बनाऊँगी, आगे मैं दिखाऊँगी आपको। एक ही बैटर से हम बआसानी 2-3 चीज़ें बना सकते हैं बेसन के साथ। तो क्योंकि ऐसा कई बार होता है हमारे साथ, हम लेडीज़ के साथ खासकर ये होता है कि कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि बच्चों के लंच में इंस्टेंट क्या बना कर दें। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप बेसन निकालें और बेसन का बैटर इस तरह से ही तैयार करें जिस तरह से मैंने आपको ये रेसिपी दिखाई है इसकी। इस तरह से तैयार करने के बाद आपके पास ब्रेड है तो ब्रेड को डिप करके ब्रेड पकौड़ा बना दें, नहीं अगर आपके पास ब्रेड भी नहीं है तो आप, क्योंकि मेरे बच्चों को तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी का स्कूल है, तो कई बार ऐसा होता है कि शॉप भी ओपन नहीं होती हैं हमारे आसपास के कि हम ब्रेड वगैरह भी मंगा सकें। तो आप इस तरह से बेसन का चिला बना सकते हैं। बेसन के बैटर को आप तवे पर, पैन पर अपने फैलाएं, नॉन स्टिक पैन पर, और इस तरह से आप ऑयल लगाएं और ऑयल लगाकर आप अपना बैटर डालें। बैटर डालकर ये आपका बेसन का चिला तैयार है। तो इस तरह से आप अपना बेसन का चिला भी बना सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा ये ऑप्शन है आपके पास, और पकौड़ी भी बच्चों के, आपके पास अगर पोटैटो हैं तो आप पकौड़ी भी बना दें बच्चों की, तो पकौड़ियाँ भी एक ही बैटर से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। वेजेज आपके पास नहीं है तो आप इसमें आलू और प्याज कट करके डालें और इसकी पकौड़ियाँ तैयार कर लें, तो ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए व्यूअर्स, जब आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं तो आप कैसी कैसी बिल्कुल बच्चों वाली मिस्टेक करते हैं। ये मैं, बहुत टाइम हो गया मुझे इसको ट्राई करते करते कि आखिर ये लिड बंद क्यों नहीं हो रही। फिर बाद में मैंने ध्यान दिया कि मैं उल्टा लिड उसके ऊपर ज़बरदस्ती एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो इसलिए बंद नहीं हो रहा। तो ये तभी होता है जब आपके माइंड चारों तरफ चल रहा होता है कि बच्चों को जल्दी से लेट ना हो जाए, बस ना निकल जाए, बच्चों को जल्दी करके भी देना है, ये भी देना है, वो भी देना है, कुछ मैं भूल ना जाऊं। तो इस तरह से जब माइंड में सारी चीज़ें चल रही होती है तब कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है मॉर्निंग के टाइम पर। तो
व्यूवर्स, ये थी मेरी मॉर्निंग की एक छोटी सी क्लिप। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, आप लोग मुझसे कहेंगे कि मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन और भी शेयर करूं, तो मैं आपके साथ आगे और भी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। इसके लिए आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में